ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, क्योंकि लोग ये इस मूवमेंट के बाद थोड़े से डर से गए हैं यू नो ये सब हरकतें करने से. तो इट्स 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 वेरी गुड. और जब नए लोग जो आ रहे हैं उनका उनका मिसयूज़ ना होना चाहिए, उनका यू नो उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है. लोग अभी थोड़े से डर गए हैं अभी, और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि अभी न्यूज़ स्टोरीज़ नहीं आ रही हैं ऐसे, यू नो दे आर दे हैव ऑल सेटल डाउन. और जो लोग कहते हैं कि यू नो देर इज़ टू साइड्स टू एवरी कॉइन और ऐसी कुछ का और ऐसा ऐसा नहीं होता, इट्स अबाउट प्रेशर. और जो ये सिचुएशन से गुजरता है उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर क्या प्रेशर होता है. और राइट टाइम पे अगर आप किसी प्रेशराइज इंडिविजुअल को आप फोर्स करते हो या उसे लालच देते हो या उसे शॉर्टकट दिखाते हो तो वो यू नो आप वो बौखला जाता है. वो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, कि वो लाइन क्या है जो उन्हें पार नहीं करनी चाहिए. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कन्वे. जैसे मैंने कहा कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की कहानी नहीं है, हम बॉलीवुड को ताना नहीं मार रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो दलदल बॉलीवुड के पहले आती है उन्हें आप बाईपास कर लीजिए. सिंटा इज़ नॉट अ लॉ बॉडी. हम एक्टर्स हैं, हम एक्टर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एक्टर्स सेक्सुअली एक्सप्लॉयड होते हैं, सेक्सुअली हैरेस्ट होते हैं, मेल या फीमेल, तो वी नीड टू टेक अ कॉल ऑन दिस. और मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जब हम एक्टर्स की बात करते हैं तो अगर हम एक्टर्स का कॉज ले रहे हैं और हमारे लेने की वजह से अगर दो चीज़ें भी अगर सुधर जाती हैं तो हम जितने लोग मीडिया में हैं हम सबको इसका बेनिफिट होगा. अगर दो केसेस एज कम अंडर द विशाखा गाइडलाइंस, सो आर आइडिया वॉज दैट वी वर नॉट ट्राइंग टू मलाइन एनीबडी बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. इफ द इंडस्ट्री वॉज वेरी बैड, इतनी ख़राब होती तो हम लोग अभी तक नहीं रहते यहाँ पर. लेकिन हाँ कि 80% लोग अच्छे हैं तो 20% लोग ख़राब हैं. अब वो जो 20% लोग हैं उनके अगेंस्ट जो भी केसेस हैं वो आज खुल के आ रहे हैं, बट हमारे मेंबर्स हैं, वी नीड टू टेक अ कॉल, वी आर आंसरेबल टू देम. एंड हमने वही कोशिश की कि भाई जितना हमारे बस में था हमने किया. अभी तक केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है एंड आई मीन बिलीव मी वो और इसमें कोई मतलब रिलेशन नहीं है, बट सिंस आपने पूछा तो यस वी हैव टेकन इट अप. दबाव भी आया, कुछ लोगों ने इनकरेज भी किया और आज भी कुछ लोग एनकरेज करते हैं, आज भी कुछ लोग दबाव डालते हैं. इस सीरीज़ में जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अपोजिट सा कैरेक्टर है. मैं एक ऐसी लेडी हूँ जो मैं खुद भी मीटू मूवमेंट चला रही हूँ, मैं खुद भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हूँ इस सीरीज़ में. बट जो मेरा मानना है मीटू मूवमेंट को लेकर के, कि अगर आपको किसी ने अप्रोच किया है और अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद है, इमीडिएटली यू कैन से नो. आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करता है, कोई आपको अपने घर पे ज़बरदस्ती नहीं बुलाता, कोई कॉफ़ी के लिए बुलाता, आप सिंपली ना कह सकते हैं. आपको नहीं करना आप ना कह दो, लेटर ऑन आप लोगों को ढूंढ ढूंढ कर फिर आप उन्हें ब्लेम करोगे, आपके पास काम नहीं होगा, फिर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को लोगों को ब्लेम करके निकालोगे, तो ये गलत है. और जितने सामने वाला इन्वॉल्व है उतनी आप भी इन्वॉल्व होते हो. अचानक से 10 साल बाद आपको याद आता है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और फिर आप उसको ब्लेम करते हो. फिर उस मैटर को देखकर बाकी जो लड़कियां स्ट्रगलर्स हैं, जो घर पे बैठी है, जिनके पास कोई काम नहीं, जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, एक लड़की उठती है, कोई किसी डायरेक्टर पे ब्लेम कर देती है, कोई प्रोड्यूसर पे, कोई एक्टर पे, ये तो एक तरीके का तमाशा लगा हुआ है. मतलब अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आपको न्यूज़ में आना है, आपको कॉन्ट्रोवर्सीज में आना है, तो आपको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है किसी पर ब्लेम कर दो, उसके लिए कुछ नहीं लगता. लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि सालों भर की जो इज्जत उस आदमी ने कमाई है, क्योंकि जिस पे आप ब्लेम कर रहे हो उसने 10 साल दिए होंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, उसके 30 साल की इज्जत आप एक सेकंड में ख़त्म कर देते हो. आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है. सेकंड चीज़, अगर आप कहते हो कि सिर्फ बॉलीवुड में है तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर जगह है. अभी मेरे कुलीग ने बोला कि ये छोटे तबके पे है, बड़े लेवल पे नहीं है, कहीं भी है. अगर लड़की जब तक एग्री नहीं करेगी, कोई आपको यहाँ रेप नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती आपको अपने घर में खींच कर नहीं लाता है, सो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. आप जो कर रहे हो, आपके पास दिमाग है, आप 18 साल से कम वाले बच्चे नहीं हो, आप इतने मैच्योर हो, आप ब्लेम करने के लिए मैच्योर हो, लेकिन जब आपके साथ वो इंसिडेंट हो रहा होता है तब आप बच्चे नादान बन जाते हो. लोगों को बहाने चाहिए. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.
जो भी अब तक मीटू इतना बड़ा एक मूवमेंट हुआ है क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं हर कोई लड़की झूठ नहीं बोलेगी तो एक प्लेटफॉर्म है तनुश्री की जो आप बात कर रही हैं तनुश्री का नाम लेके आई नॉट नेम मैं किसी को नाम नहीं लूंगी आप जो भी बात कर रही थी दस एकदम से आगे खड़ा हुआ जरूरी नहीं जो बात 10 साल बाद पूल पकड़ी हो जरूरी नहीं कि वो बात गलत हो आपको नहीं पता मुझे नहीं पता और ऐसी बहुत लड़कियां मैं जानती हूँ जिनके साथ ऐसे वाक्य हुए हैं उनको हैरेस किया गया है चीज़ों को लेके और बात ये नहीं है कि आप उसे मना कर दो ये बात आती ही क्यों है आपको आपकी एक्टिंग के बेसिस पे काम देना चाहिए ना कि ये आपने जैसा कि बोला कि आप मना कर दो मना क्यों कर दो ये बात ही नहीं आनी चाहिए तक ऐसी बातचीत आना बिल्कुल गलत है बीच में 2-3 हमारे बहुत ही विख्यात प्रोड्यूसर्स के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगे और मैं जिन लड़कियों ने लगाए मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ तो जितनी समझ मेरी है जितना मैं उनको जानती हूँ वो ऐसा अच्छा काम किया है उन लड़कियों ने तो ऐसे घटिया आरोप सिर्फ छोटी चंद पब्लिसिटी के लिए हर कोई लड़की नहीं करती है कुछ करती होंगी पर हर कोई उसमें से शामिल नहीं है बट जो लड़कियाँ सामने आई हैं वो कौन है कौन है वो लड़के वही लड़कियाँ हैं जो घर पे बैठी हुई हैं ये वही लड़कियाँ जिनके पास कोई काम नहीं था मुझे आप एक लड़की ऐसी बता दो जो अभी सामने आई है जो एक्चुअली ए लेवल पे काम कर रही है ये वही लड़कियाँ हैं जो या तो मोतीलाल नगर में कैटलॉग कर रही हैं या एक लड़की जो सुभाष घई पे ब्लेम कर रही है जिसने जीवन में कुछ नहीं किया तनुश्री दत्ता का नाम इन्होंने लिया इसलिए मैं नाम लूँगी 10 साल से वो कहाँ थी जो बाकी लड़कियाँ ब्लेम कर रही हैं वो काम नहीं करना था अचानक 10 साल बाद अगर आप क्यों इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो नहीं थी आपको जिस समय प्रॉब्लम हुई थी उस समय आपको एक्शन लेना चाहिए था किसी के साथ रेप होता है वो इमीडिएटली सेकंड डे जाके पुलिस के पास जाता है केस करता है एक्शन लेता है कि 10 साल बाद वो सोचता है विचारता है अरे नहीं यार ये आदमी अच्छा काम करे मुझे उस पर केस कर देना चाहिए क्यों ए क्लास आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं मैं ये सोचती हूँ कि मीटू जो मूवमेंट है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं एक तरीका मतलब दो तरीके नहीं इसके दो साइड्स होते हैं एक तो वो जिसमें जेन्युइन स्टोरीज होती हैं जो लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं या घट रही हैं तो दूसरी है जो फैब्रिकेटेड होती हैं पहले जो पहला साइड है उसमें ज़्यादातर जो पीड़ित है वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व करता है काउंसलर्स के पास जाके या फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ जाकर जस्टिस मांगता है ओके क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है जो 10 साल 15 साल पहले हुई थी उस इंसान के साथ तो जाहिर सी बात है एक बीमारी ही हुई जो 10 साल से उसके अंदर है लेकिन तब वो शायद बिगनर था या थी इसलिए वो उस पोजीशन पे नहीं था कि वो मुंह खोल पाए अब वो शायद थोड़े से ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे है और कॉन्फिडेंटली शायद बोल सकता है लेकिन जो दूसरा साइड है जो फैब्रिकेटेड साइड है उसमें हमारा ग्लैमर पब्लिसिटी हमारा मीडिया आ जाता है जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा जो उठाया जाता है जो हैशटैग मीटू जो रातों रात ओवरनाइट सेंसेशन बन जाता है तो कई सारे लोग इसे अटेंशन सीक करने का ज़रिया या फिर यू नो पब्लिसिटी और ग्लैमर से अपने आप को अटैच करने का ज़रिया भी बनाते हैं तो मीटू की जो कहानियाँ हैं जेन्युइन होती हैं लेकिन मेरे हिसाब से उन जेन्युइन स्टोरीज़ को कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इंटरनली सॉर्ट करना चाहिए सारी चीज़ें जब हो जाए जस्टिस उन्हें लगता है नहीं मिले तब शायद वो आके अपनी बात कह सकती हैं रख सकती हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लांछन लगाना बातें बढ़ा चढ़ा के बोलना कीचड़ उछालना ये सब होता है तो इन सब चीज़ों से पहले वो अगर अपने आप को अंदर सॉल्व कर लेगा तो शायद वो कहीं ना कहीं हील हो जाएगा इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हुआ है आपको पक्का पता है कम हो गया ये बोल रहे हैं कम हो गया है तो मैं मान लेती हूँ कम हो गया और इनको कैसे पता हाँ इनको कैसे पता वही है बट मैं अच्छी बात है अगर कम हो गया है वेरी हैप्पी ये है वो मैं फेमिनिस्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि औरतों की इज्जत हो आदमियों की भी इज्जत हो यार बिल्कुल यार करो यार मतलब फैब्रिकेटेड जो स्टोरीज होती है उनकी आदमियों की तो धज्जियाँ उड़ जाती है तो उसमें से कुछ बेचारे आदमी अच्छे भी होते हैं यार मेरे हिसाब से बिगनर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में उनको यहाँ आते हुए सोच कर आना चाहिए They have to be very careful, actually. हाँ, कि very यहाँ पे दो हिस्से हैं इंडस्ट्री के दो हिस्से हैं एक हिस्सा है प्रदर्शन एक्टिंग अभिनय का प्योरली एक्टिंग दूसरा हिस्सा जो अनस्पोकन हिस्सा है वो हिस्सा होता है क्या गुड एंड बैड वुल्फ ऑफ बॉलीवुड उसमें से कुछ जो बैड होते हैं उनके लिए ये जो ग्राउंड है ये जो सीरियल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है या वेब इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी का पर्दा है, जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए जो ग्राउंड में जो विंडोज़ है ना, ये विंडो शॉपिंग का जरिया बन जाता है। अब वो विंडो शॉपिंग में आप शॉप होना चाहते हो कि नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। आप अगर सही चॉइसेस करेंगे, और अगर आप ये नहीं बोल सकते आई डिडंट हैव अ चॉइस यार मुझे वो प्रोजेक्ट, अरे आप चॉइस तो ऑलरेडी कर रहे हैं। यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ चॉइस बाय सेइंग आई डोंट हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। एडवांसेस सजेशंस मैंने भी झेले हैं, बट उन चीज़ों को कैसे टर्न अराउंड करके डेस्परेशन ना दिखाते हुए सही गाइडेंस के जरिए, डोंट गिव दैट वाइब, शी मींस डोंट गिव दैट वाइब कि ओके यू नो यू कैन एक्चुअली स्टॉप समबडी, मतलब इतना डेस्परेशन कि ओवरनाइट स्टार तो आप नहीं बनेंगे ना। क्यों बनना है? ओवरनाइट स्टार बन के क्या हासिल होगा? ब्राइब्स देके आपका काम आसानी से होता है, रिश्वत देके आपका काम आसानी से होता है भारत में, लेकिन ये रिश्वत से अंदर बहुत सारी चीज़ें खोखली हो जाती है। अगर आप हर बिगनर ये चीज़ों को अच्छे से समझ कर आए इंडस्ट्री में, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक्टिंग का जो ग्राउंड है वहीं टिका रहेगा, उसे यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।